Hello everyone, I am Vipin Mishra. Today I will be discuss class 12th poetry chapter 1. That's name is My Mother at 66. It is very important chapter of class 12th. First of all, I will cover about poetry and later on I will cover its. तो आए पहले देखें कि कमला दास के बारे में थोड़ा सा अबाउट द पोएटीज. तो सबसे पहले समझें कि पोएटीज के बारे में चैप्टर जो पहला है आपका क्लास ट्वेल्थ का पोएट्री में, जिसका नाम है माय मदर एट 66, जिसकी लेखिका है कौन? कमला सुरैया. कमला सुरैया. तो सबसे पहले आई वॉन्ट टू टेल यू कि वेन सी वॉज बॉर्न, एंड डेथ, एंड पेरेंट्स. तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल टेल यू सी इज बॉर्न ऑन 31st March 1934. 31st March 1934. मालाबार डिस्ट्रिक्ट केरला. तो केरला में जन्म इनका हुआ था, मालाबार डिस्ट्रिक्ट में. और इनकी जो मृत्यु हुई, अगर मृत्यु पर जाए तो इनकी मृत्यु हुई 31st May 2009 पुणे महाराष्ट्र. माता पिता के बारे में अगर आप जानना चाहते हैं तो इनके माता पिता का नाम जान लें. बालामणि अम्मा इनकी मम्मी थी. बालामणि अम्मा इनके मदर नेम या इनकी मदर है. इनके जो फादर थे बीएम नैयर, इनके पिताजी का नाम था बीएम नैयर. इनका जो कमला सुरैया के बारे में एक चीज और समझें, इनका जो पेन नेम था माधवी कुट्टी. इनका पेन नाम क्या था? माधवी कुट्टी. अब कुछ और इनके बारे में समझें, इनकी एक फैक्ट्स क्या है, इनके कुछ इनकी ऑटोबायोग्राफी है एक, जिसका नाम है माय स्टोरी. उन्होंने एक ऑटोबायोग्राफी लिखी जिसका नाम क्या है? माय स्टोरी. एक बात और समझेंगे, इनकी जो शादी हुई के माधव दास से हुई, इनके पति का नाम क्या था? के माधव दास. जब शादी हुई तभी इनका नाम क्या पड़ गया? कमला दास. तो बाद में ही चलकर क्या हो गई? कमला दास हो गई थी, क्योंकि के माधव दास से शादी हुई थी इसलिए क्या हो गई? कमला दास हो गई. इसमें 15 ईयर्स की एज में ही क्या हो गई थी? ये मैरिड हो गई है. इनकी शादी कब हुई? 15 साल की थी तभी इनकी क्या हो गई थी? शादी हो गई थी. और इन्होंने मलयालम में भी
बहुत सारी कविताओं को लिखा, शॉर्ट स्टोरीज लिखी, पोएम्स लिखी और एक कुछ विवादों में भी रही हैं। तो आज जो मैं आपको डिस्कस करूँगा इन्हीं की लिखी हुई एक शानदार पोयम जो एक माँ और डॉटर के बीच क्या बताती है, लव एंड अफेक्शन के बारे में बता रही है। तो आइए देखें आज की पोयम। जैसा कि पिछले पीछे पीछे मैं बता चुका हूँ कि चैप्टर का नाम क्या है, माई मदर एट 66। इसका अर्थ क्या हुआ कि मेरी माँ कितने की हैं, 66 कहें तो 66। इसका अर्थ है कि मेरी माँ की एज अब काफी हो चली है, वो बताने का प्रयास ये कर रहे हैं। कौन? कमला दास। और मैं थोड़ा सा आपको इसकी समरी बताने का प्रयास कर देता हूँ ताकि समरी अगर आपको पता रहे तो पता चल जाएगा इसकी कहानी क्या है। समरी ये है कि कमला दास कह रही कि मैं छुट्टियों के दिनों में मैं घर आई थी और मैं अब फिर से वापस कोचिंग जा रही हूँ, कोचिंग नहीं है, कोचिंग जा रही हूँ और मैं अपनी माँ के साथ जा रही हूँ और मैं माँ की स्थितियों को देखकर घबराई हुई हूँ और उसी के बारे में मैं सोच रही हूँ। इसी के बारे में कमला दास बता रही हैं, कह रही हैं कि ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम टू कोचिंग, इसका मतलब पेरेंट्स होम का मतलब हम अपने घर से कहाँ जा रहे हैं, कोचिंग को जा रहे हैं, ड्राइव कर रहे हैं, मतलब कार से जा रही थी। लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग, पिछले शुक्रवार की सुबह, जब इन्होंने लिखा, जिस दिन पोएम उन्होंने लिखा होगा वो बता रहे हैं कि उसके पिछले शुक्रवार की सुबह की बात ये है, मैं अपनी माँ के साथ ड्राइव करते हुए कोचिंग के लिए रवाना हुई। ऐसा मैंने देखा माई मदर मेरी माँ जो थी ना, बिसाइड मी, मेरे बगल में थी, कार चला रही हैं, कार में ये ड्राइव कर रही थी, उन्हीं की जस्ट बगल वाली सीट पर उनकी माँ भी बैठी हुई थी। डोज ओपन माउथ, डोज का मतलब क्या होता है, देखिए एक डोज तो ए है, एक डोज ए है जो पोयम में डोज है ए है, इसका मतलब होता है खुराक। आपको ये होमोफोन्स में भी काम देगा, इसका मतलब होता है झपकी लेना। अब अगर इसके लिए पर्यायवाची जाने सेनानिम पार्ट को अगर समझें तो इसको स्लम्बर भी बोलते हैं, स्लंबर। और एक शब्द होता है नैप। आगे देखेंगे, डोज ओपन माउथ, अब वो क्या है, सीट पे बैठी हुई हैं, खुले हुए हैं, मुंह खुले हुए हैं, हर फेस उनका जो चेहरा है एसे लाइक राख के समान है, हो गया एसे राख की तरह है, मतलब धुधला पड़ता जा रहा है। कहते हैं उम्र बढ़ने के साथ क्या हो रहा है कि उनके चेहरे पर झुर्रियाँ पड़ती चली जा रही हैं, जैसा कि आप लोगों ने कक्षा 11 में चैप्टर पढ़ा होगा द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी बाई खुशवंत सिंह, उसमें बताया गया कि दादी माँ के चेहरे पर झुर्रियाँ पड़ गई थी। लाइक दैट ऑफ कॉप्स, यहाँ पर एक शब्द आया, पहले मीनिंग को समझेंगे। ये है कॉप्स, कॉप्स मतलब होता है और डेड बॉडी, स्पेशली ह्यूमन, मानव की लाश को कॉप्स बोलते हैं। एक शब्द और आप इस्तेमाल करेंगे, कैडावर, मानव की लाश के लिए। ध्यान रखिएगा कर्कस एक वर्ड होता है, कर्कस मतलब होता है जानवरों की लाश। तो अब इस यहां पर ध्यान रखिए कि इनका चेहरा कैसा हो चुका है, राख के समान, में काला पड़ गया है, लाइक का प्रयोग किया गया, ध्यान रखिएगा। यहां पोएटिक डिवाइस भी देखेंगे,
इसमें सिमिली है। सिमिली क्या होता है उसको देखिए, एज और लाइक, अगर लगा हो, तुलना किया जा रहा दो चीज़ों का, तो ये क्या होता है, कौन सी डिवाइस हो गई, कौन सी पोएटिक डिवाइस है, तो सिमिली है। तो ये बताया जा रहा है कि मतलब मानव की लाश की तरह हो गया, कि मानव की लाश जिस तरह की हो जाती है उस तरह से स्थितियाँ क्या हो चुकी हैं मेरी माँ की हो चुकी हैं। इस बात पे बहुत ज़्यादा क्या हो चुकी हो, दुखी हैं। एंड रियलाइज मुझे विथ पेन, मुझे कैसा महसूस हो रहा, मुझे दर्द महसूस हो रहा। किसको दर्द हो रहा है, रियलाइज हो जाना मतलब महसूस हो जाना दर्द जैसा, किसको महसूस होने लगा, कमला दास को महसूस हो रहा था। दैट सी वाज, सी मतलब इनकी मम्मी, एज ओल्ड एज सी लुक्ड, मतलब जैसा दिख रही हैं बूढ़ी भी हो चुकी हैं, मतलब वो बताने प्रयास से कर रही हैं कि मेरी माँ बूढ़ी भी हो चुकी हैं, वैसा दिख भी रही हैं। अब गाड़ी चलाते चलाते उनकी माँ की स्थितियों को, अपने अपनी माँ की स्थितियों को क्या कर रही थी, कैलकुलेट कर रही थी, आकलन कर रही थी। बट सून, जल्दी ही उन्होंने क्या किया, पुट आउट दैट थाट। अबे मतलब मैंने क्या किया, इस विचारों को मैंने बाहर निकाला, इस विचारों को बाहर निकाला मतलब मैं सोची कि मैं इसमें क्या सोचना है, तो होना ही है, प्रकृति का मामला है, ये भगवान ने बनाया है, कोई अगर आया हुआ है तो कोई आज, तो आज आया है तो कल जाएगा ही जाएगा, उस पर क्या विचार करना जिस पर हमारी पकड़ नहीं है। एंड लुक आउट, अभी क्या करती हैं, बाहर देखती हैं, लुक आउट कर रही हैं, क्या कर रही हैं, वो अपने शीशे से क्या करती हैं, एक साइड माँ बैठी थी इधर देख रही थी, अब कहाँ देख रही हैं, बाहर देख रही थी। यंग ट्रीज स्प्रिंटिंग, जैसे गाड़ियां चलती हैं, स्प्रिंट मतलब होता भागना, स्प्रिंटिंग, तो यंग ट्रीज आर स्प्रिंटिंग, तो क्या हो रहे थे, पेड़ इधर उधर भाग रहे थे, भागने के तौर पर क्या, गाड़ी जब दौड़ती रहती तो क्या होते हैं, पेड़ इधर उधर, पेड़ भी दौड़ा करते हैं। उसके बाद क्या होता है, एंड मैरी चिल्ड्रेन स्पीलिंग आउट ऑफ देयर होम्स, अपने घरों से वो बच्चे खुशी खुशी क्या कर रहे हैं, भाग रहे हैं, बाहर निकल रहे हैं, कुछ बच्चे खेलने के लिए, स्पील आउट मतलब होता है बाहर निकलना, देयर होम्स, अपने घरों से क्या कर रहे हैं, कुछ बच्चे बाहर निकल कर आ रहे हैं। उसके आगे देखेंगे, जब बच्चे बाहर निकल रहे थे और पेड़ भाग रहे थे, माता जी उनकी क्या स्थिति में थी, उनके चेहरे एकदम बिल्कुल फीके पड़े हुए थे, मुंह खुला हुआ था, झपकी ले रही थी, सारी चीज़ें होने के बाद फिर क्या होता है, अब अंत में क्या होता है कि स्टेशन पहुंच जाती हैं, स्टेशन कहें तो एयरपोर्ट से इनको जाना था, वहाँ पर इनको हवाई जहाज़ पकड़नी थी। उसके बाद इनका क्या होता है, सिक्योरिटी चेकिंग होती है, सिक्योरिटी चेक होने के बाद अब यहाँ पर जैसे ये खड़ी हैं और यहाँ पर ए है, तो ये डिस्टेंस है, तो सारी चीज़ चेक होने के बाद कुछ दूर पर इनकी मम्मी खड़ी थी, अ फ्यू आवर्स अवे, कुछ दूर पर इनकी माँ खड़ी थी जब सब कुछ चेक होने के बाद। आई लुक्ड, छोड़ने गई थी, लुक्ड अगेन एट हर, फिर से मैंने इनको देखा, वेन फीका और पेल में पीला पड़ा हुआ जो चेहरा था उनका, फिर से मैंने उनको ऊपर देखा, फीका और पीला पड़ जाना मतलब कह सकते हैं उनके चेहरे कैसे हो चुके थे, पीले पड़े हुए थे, फीके थे, फिर से मैंने देखा दूर से जब मैं जा रही थी। तो फिर क्या होता है, एज अ लेटर, एक तुलना किया, यहाँ पर भी क्या हो गया आपका, सिमिली है, यहाँ पर क्या है आपका, सिमिली है। उनका चेहरा कैसे तक तुलना किया गया है कि जो रात में चंद्रमा होती है, जो बादलों के बीच में क्या हो जाती है, छुप जाती है, उस रंग का जो बादल हो जाता है, उसी रंग का क्या हो चुका है, इनके चेहरे फीके पड़े हैं। एंड फेल्ड, इन्होंने महसूस किया कि कमला दास ने क्या किया, महसूस किया कि फेमिलियर एक उनका जो पुराना दर्द है वो फिर से क्या हो जाता है, वापस आ जाता है, बचपन का भय और डर भी वापस आ जाता है।
बट ऑल आई सेड, जो मैंने सब कुछ कहा, सी यू सून, अम्मा मैं फिर मिलूंगी जल्दी ही। ऑल आई डिड स्माइल एंड स्माइल एंड स्माइल, कहीं मैं मुस्कुराई इसलिए ताकि वो मेरी माँ क्या हो दुखी ना हो। इतना कहने के बाद वो वहाँ से चली गई। आपने इस चैप्टर को समझा और बहुत ही खूबसूरत पोएम है। इसमें बॉन्ड बिटवीन डॉटर एंड मदर को इन्होंने दिखाने का प्रयास किया है। और ये जब जा रही हैं, एक बार मैं समरी आपको क्लियर कर देता हूँ, जा रही हैं अपनी माँ के साथ, माँ उनके जस्ट बगल में बैठी हुई हैं, एक गाड़ी चला रही थी, और उनको जब माँ को उन्होंने देखा तो बहुत दुखी हो जाती हैं। फिर वो बाहर के वृक्षों को देखती हैं, पेड़ भाग रहे थे, बच्चे खेल रहे थे, और स्टेशन पहुँच जाती हैं। स्टेशन पहुँचने के बाद जब चेक हो जाता है, चेक होने के बाद कुछ दूर दोनों लोग रहते हैं, उसके बाद उनके फीके चेहरे को देखी, फिर मुस्कुराती हुई कही मम्मा फिर से मिलेंगे। बस आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।